सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस वंस अगेन। आज आपको दिखाएंगे हैमर सीरीज, जो कि अभी लेटेस्ट डिजाइन करी है अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस ने और मैन्युफैक्चर हुई है। अभी कुछ स्टेशन और आने बाकी हैं, बट जितने डिस्प्ले में आ गए मैं आज आपको वो दिखाता हूँ। इन स्टेशंस की जो मूवमेंट है ना और बायोमैकेनिक्स हैं, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज ये देखा है कि जितने भी प्लेट लोडेड सीरीज़ मार्केट में आ रही हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, बहुत कम ऐसी सीरीज़ हैं जिनमें प्रॉपर इफेक्ट उस मसल पर आता है जिस मसल की वो सीरीज़ होती है। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशली डिज़ाइंड विद परफेक्ट बायोमैकेनिक्स, आई वुड से, जो कि मैंने खुद चेक कर रहे हैं और हमारे जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो इनके पास कई कई साल का एक्सपीरियंस है, उनसे भी चेक करवाए हुए हैं और फिर जाके ये चीज़ डेवलप करी है। तो आइए गाइस, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या स्टेशन है वो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आर चेस्ट प्रेस। और चेस्ट प्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी सॉलिड हैवी साइज़ की ये चेस्ट प्रेस है। इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है और हैवी मशीन है। तो अब मैं आपको इस पर सेट करके दिखाता हूँ। एंड बेसिकली दिस इज इनक्लाइन चेस्ट प्रेस। और जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, और वेट मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ मैंने 10 kg ही इस साइड डाला है, बट इतने वेट में भी मुझे प्रॉपर इंक्लाइन चेस्ट पे फील आ रहा है। पूरे मेरे पेक्टोरियल मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव मूवमेंट पे है चाहे पॉजिटिव मूवमेंट पे है। और बहुत इजीली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने आराम से इसको प्लेस कर दिया, मेरे को ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी नहीं हुआ मेरा जॉइंट, और मैंने इजीली इसको प्लेस भी कर दिया है। तो गाइज, दिस वॉज आर इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। सो गाइज, नेक्स्ट मशीन इज लो रो मशीन, और ये आपकी बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी हाइट काफ़ी बेटर है, इसकी विड्थ काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसमें आपको दो ग्रिप्स मिलती हैं, एक मिलती है आपको हैमर ग्रिप, एक मिलती है न्यूट्रल ग्रिप। इसमें मेरे को प्रॉपर अपने जो इफेक्ट है रोम्बॉइड्स और सराउंडिंग मसल्स पर एग्जैक्ट फील हो रहा है, जिसको मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो बिल्कुल इसका इफेक्ट मेरे मिडिल बैक पर आ रहा है। सो गाइज, नेक्स्ट मशीन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ मिड्रो मशीन। और मिड्रो मशीन आपके लैट्स के लिए होती है और आपको रोइंग मूवमेंट में हेल्प करती है। और इसमें आपको मिलती है यहाँ पर 3 grips, एक होती है यहाँ पर ये न्यूट्रल ग्रिप, एक होती है ओवरहैंड ग्रिप, और एक यहाँ पर मिलती है आपको वाइड ग्रिप। और जैसा आप देख सकते हैं, जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, सेट लगा रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर इफेक्ट मेरे लैट्स पर आ रहा है। अगर आप लोगों को मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो इसका सारा इफेक्ट मेरे यहाँ बैक पर आ रहा है, लैट्स पर, और परफेक्ट इसका एंगल है। अब थर्ड वेरिएशन इज वाइड ग्रिप। दिस इज आवर थर्ड वेरिएशन। और ये मशीन काफी सिमिलर है जो आप रोइंग मूवमेंट करते हैं, बट उसमें आपको एक काफी हैवी प्लेट लोडेड सीरीज में मिलती है, जो कि आपके जिम में एक नई अट्रैक्शन पैदा करेगी। और फोर्थ मूवमेंट में आपको इसकी बताता हूं, आप इस मशीन को सिंगल हैंड भी यूज कर सकते हैं। आप ये देखें, यहां से आप सिंगल हैंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैंड यूज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें है। सो गाइस, नेक्स्ट मशीन इज प्रीचर बाइसेप मशीन, जो आप सबकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि इसका जो बायोमैकेनिक है ना और जो इफेक्ट आता है बाइसेप्स के ऊपर, मतलब आपके जिम में लोग फैन हो जाएंगे इस मशीन के। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस बाइसेप्स प्रीचर मूवमेंट में लग रही है कि पूरी मूवमेंट में, पूरे रेंज ऑफ मोशन में मेरे बाइसेप्स पे जो प्रेशर आना चाहिए वो एग्जैक्टली बाइसेप्स पे ही फील हो रहा है। मतलब पूरी सेट मारते हुए मेरे को कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कहीं भी लैक कर रही है इफेक्ट देने में। और मैंने सिर्फ अभी 5 kg प्लेट डाल के करा और अप्रॉक्स मैंने 12-15 रेप्स मारे होंगे, इसमें ही काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रीचर गर्ल के कितने अच्छे बायोमैकेनिक्स होंगे। सो गाइज, द लास्ट मशीन ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज शोल्डर प्रेस मशीन। इसमें जो सबसे खास बात है, इसकी मूवमेंट है, ये जब मैं इसको नीचे प्रेस करता हूँ तो ये आर्म्स इसकी अपने आप ऊपर उठ जाती हैं, विच मीन्स कि जब भी आपको सेट करना है आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे, आर्म्स अपने आप ऊपर आ जाएंगी। और दिस इज़ हाउ यू विल परफॉर्म शोल्डर प्रेस ऑन दिस मशीन। और इसकी नेगेटिव मूवमेंट भी मशीन की बहुत अच्छी है, जिस तरह ये नीचे आ रही है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, थोड़े से आपके आर्म्स क्लोज हो जाएंगे, जो एग्जैक्टली शोल्डर प्रेस में आपकी मूवमेंट आनी चाहिए, और नीचे जाके ये वाइड हो जाते हैं। और ये सेट करने के बाद अब आप देखेंगे कि मैंने फिर इस पे यहाँ से प्रेस करा है और ये आर्म्स मुझे यहीं पे रुक जाएंगी। कितना इजी हो मेरे लिए हो गया इस मशीन को, इस सेट को फिनिश करना। अब ये देखें, इजीली मैं इसको अपना पैर ऊपर उठा के क्लोज कर सकता हूँ। सो गाइज, ये थी आपकी सबसे यूनिक शोल्डर प्रेस हैमर सीरीज में। तो गाइज, जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे खुद फील हो रहा था सेट मारकर कि ये मशीन्स काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रही हैं,
और दिस वॉज ऑल अबाउट आर हैमर सीरीज। अभी हम 2-3 मशीन्स और डेवलप कर रहे हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोज में दिखाएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी कि आपको अपने जिम की लोकेशन कैसे डिसाइड करनी है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, जिम खोलना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा यार लोकेशन कैसे फाइनल करें। ये सवाल सबको तंग करता है, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई ना और लोकेशन अच्छी नहीं रही तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो लोकेशन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सॉलिड कॉन्टेंट आने वाला है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आज ही कर लो, हो सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियो आने वाली है आप मिस ना कर दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू सून।